हम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हेयर ट्रांसप्लांट ही करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं इसको। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी है या कोई बिल्कुल भी नहीं है, कोई जानकारी? चलिए, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। महोदय, आपका नाम प्लीज? आप अमित वर्मा। अमित वर्मा, तो अमित वर्मा जी की जो अभी कंडीशन है, प्लीज माइंड इट, सिर्फ एक साइंटिफिकली बताने के लिए आपको कर रहा हूँ। अभी इनकी जो कंडीशन है, आप देखेंगे कि स्कैल्प के सिर्फ जो पीछे हिस्सा है वहां पे बाल है और ऊपर का हिस्सा जो है वो बॉल्ड हो चुका है। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है बॉल्डनेस की। जैसे इंसान गंजा होना शुरू होता है, बाल लूज करता है, ऊपर से करता है, टॉप ऑफ द हेड जो खाली रह जाता है, पीछे का एरिया यहाँ पे बाल रहते हैं। इन्ही रूट्स को हम लोग निकाल के मशीन के द्वारा और जो सामने वाला बॉल्ड हेयर उसके अंदर हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसको हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट जो है, इसकी सारी डेवलपमेंट, इसकी सारी जितनी भी रिसर्च है, वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर्स में हुई है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई फंडिंग किसी तरीके की नहीं करती, बिकॉज ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। तो हम लोगों ने जब इसमें काम करना शुरू किया, ऑब्वियसली जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि नेचुरल से नेचुरल ट्रांसप्लांट हो, किसी की पकड़ में ना रहे और उसमें कितनी सफाई से हम कर सकते हैं वो करें। तो मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। अब लाइट ऑफ, अब थोड़ा शायद आपको अंदाजा हो पा रहा होगा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। अब यहाँ जो गौर करने की चीज है वो ये है कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि आपको बाल अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने सुई धागे से उसको पिरो रखा हो। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि ये अननेचुरल रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। इसका जब हमने इसके ऊपर रिसर्च शुरू करी, देखिए दूसरा केस है, इसमें भी आप देखेंगे बिल्कुल साइड पे आपको अलग अलग करके कई बाल दिखाई दे रहा। अब जब हम लोगों की बेसिक ट्रेनिंग हुई थी हेयर ट्रांसप्लांट की, दैट वाज इन यूएसए, और वहां पे डेंटल मोटर्स जो होती हैं जिससे डेंटिस्ट काम करते हैं, उन मोटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसी से हम लोगों ने सीखा, उसी से हम लोग काम करते हैं। तो 2016 में हम इसके पीछे पड़े एज अ टीम। मेरे मित्र हैं वो आईआईटी दिल्ली के अंदर है, तो उनके साथ और कुछ हमारे पैथोलॉजिस्ट मित्र हैं, उनके साथ हमने सारे रिसर्च शुरू करी कि अननेचुरल रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। और उससे निकल के ये आया फाइनली कि हम लगाते तो 100 ग्राफ है फॉर एग्जांपल, पर उसमें से ग्रो सिर्फ 80 करता है, तो जो बीच का स्पेस हमें दिखाई दे रहा है उस वजह से दिखाई दे रहा है। जो हम लोग की रिसर्च है, जो हम लोगों ने नई चीज जो डेवलप करी वो ये थी कि पहले आप ये वीडियो देखिए। अब ये जो मोटर देख रहे हैं आप, इसका वेट देखिए, ये है डेंटल मोटर जो यूएस वगैरह से आप ये देखिए जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा टेक्निकल है बट आप देखेंगे तो आपको काफी चीज समझ में आएगी। अब ये देखिए, अब ये मोटर को हमने ऑन किया, ये पहले वाले मोटर को। अब इसको रोकने के लिए जो फोर्स हमें लगानी पड़ रही है, ये 6000 आरपीएम पे मोटर चल रही है, 6000 आरपीएम, 6000 आरपीएम पे भी स्किन के अंदर अगर एंटर करेगी तो साथ वाले ग्राफ्ट को या एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट को डैमेज कर देती है। तो इसको हम 6000 आरपीएम पर रोक पा रहे हैं। अब इसके मुकाबले में जो हमारी अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ हमने करंट बढ़ाना जैसे जो शुरू किया, मशीन हमारे चलने शुरू हो गई है। अब इस वक्त इसकी आरपीएम अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास है और हम इसको हल्का सा
वैज्ञानिक देखिए हम इसको रोक पा रहे हैं इजिली राइट। अब इस इतनी पेनिट्रेशन पे इतनी फोर्स पे स्किन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। एक्चुअल स्पीड जो हमें चाहिए वो ये स्पीड है जिसमें हम इसको पकड़ने में दो लगाने के बाद में मशीन चल रही सो ये 6000 प्लस आर पी एम है जितना भी ये मशीन अभी चल रही। अभी सेम करंट पे सेम करंट लेवल पे अभी देखिए आरपीएम स्लो है इजीली हम देख सकते हैं मैं इसको चाह के भी नहीं रोक पा रहा हूं। ये सिर्फ 400 आरपीएम है 400 आरपीएम पे मैं इसको चाह के भी नहीं रोक पा रहा हूं पूरा जोर लगाने के बाद भी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमने रूट को ट्रेल करके निकालना है तो जो पहले मैंने आपको मोटर दिखाई वो 6000 आरपीएम में स्किन के अंदर घुस गई थी और वहां से ग्राफ को निकाल के लाए। That was the reason कि हमारे crafts के अंदर से तकरीबन 18-20% के आसपास का loss हो जाता था, craft हमारे नहीं रह जाते थे। अब यहाँ हमारी RPM सिर्फ 600 है, rounds पर मिनट, यानी कि बहुत slow speed दे रही है मशीन अंदर जाकर वहाँ से हमारे craft को बिल्कुल जैसे उसके natural state है वैसे extract कर सके। अब यहाँ पे जो इस मशीन के द्वारा किया गया काम है, अच्छा दूसरा ये एक और हमारी innovation है, इसे हम हेलो इसे बोलते हैं स्नेक स्लेट। ये स्लेट भी हमने यहीं पे डेवलप करी है, ये हमारे इंडिया के अंदर इसका सारा डिजाइनिंग और टूल वगैरह ये सारा हमने यहीं पे डेवलप करा है। अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट आगे ये देखिए आप ये हेलो 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 अरे ये हमारे ट्राई सिटी के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर आशीष, तो इनकी आप कंडीशन देखिए एक बार। So, ये लेवल ऑफ बॉल्डनेस है इसको हम ग्रेड 7 बॉल्डनेस बोलते हैं और ग्रेड 7 के अंदर पीछे आपने देखेंगे जो टॉनर एरिया है जो पीछे का एरिया है ये बहुत कम है। और अगर हम पुराने वाला जो सिस्टम डेंटल मोटर सेटिंग इनको करने चलेंगे तो रिजल्ट 0/0 निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं। अब इनका हमने स्टेटस वाले उसे किया तो आप सबसे पहले जो देखिए कि सारी एक्सट्रैक्शन के बाद भी जो हमारा टॉनर एरिया है वो सारा सेफ है, यानी कि वहां पे डैमेज नहीं हुई है आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद। देखा ये देखिए अब आप ये देखिए अब जैसे एक साल पूरा हो जाएगा आपको देखिए प्लीज एक साल जैसे पूरा हो जाएगा तो हम इस एरिया को रीटारगेट कर सकते हैं इसको भी हम फील कर सकते हैं। नॉर्मल एरिया का अगर आप देखिए बिल्कुल भी कहीं आपको किसी देखेगा। अब ये देखिए उनका रिजल्ट का ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है इस टेक्निक की वजह से, वरना इतने स्मॉल नॉर्मल एरिया से इस लेवल ऑफ बॉल्डनेस के अंदर जब हम ग्राफ्स निकालते थे पुराने टेक्निक से तो उसमें रिजल्ट हमें बिल्कुल नहीं होता था। आप फील्ड में भी देखेंगे हेयर ट्रांसप्लांट में फेलियर रिजल्ट बहुत ज्यादा है। ये इनका किया अच्छा ये और देखिए प्लीज अब ये पुराने वाले सिस्टम से हो रखा है देखिए कितना साइज पे बाल रह गए इस वाला सारा एरिया डैमेज हो गया। तो ये अभी इस वाले टेक्निक से आप इनका देखेंगे तो अब ये टेबल देखें आप सो ये जो इनोवेशन है जो नैनो मोटर है ये सारी की सारी इसके डेवलपमेंट इसके जो एस्पेक्ट्स हैं लाइक फोर्स कितनी रहेगी कितने करंट पे कितने आरपीएम पे चलेगी वो सारा हमने यहीं पे इन हाउस इंडिया के अंदर सारे रिसर्च में पूरे यहीं पे डेवलप करते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसेस अभी पेटेंट में चल रहा है लेकिन अभी उसकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है तो हम इसको एक बार ओपन मार्केट के अंदर नहीं लेके आ रहे हैं।
सो ये सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ केवल अभी हमारे न्यूग्राफ्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सेक्टर 22 में केवल वहीं पे होता है। एक बार हमारी पेटेंट वाली प्रोसेस क्लियर हो जाती है तो फिर हम इसको मार्केट के अंदर, या जैसे टर्की को बोला जाता है कि ट्रांसप्लांट का हब है, तो इवन वहाँ से भी हमारे पास इसकी इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हो गई है कि सर ये कैसे आपका डोनर एरिया के अंदर डैमेज नहीं है, रिजल्ट आपके यहाँ बढ़िया आ रहे हैं। तो एक बार पेटेंट लेवल पूरा होने के बाद फिर हम इस मशीन को कमर्शियली लॉन्च कर रहे हैं ताकि कोई भी इसको खरीद के इस्तेमाल कर सके। हाँ जी, हाँ जी, अभी 1.5 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं और इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अमेजिंग है। पीछे हमने मेरा यूट्यूब चैनल है तो उस पर एक पत्रकार महोदय थे जफर गिपाल जी, वो सारा मोजो टीवी मोजो स्टोरी करके कुछ उनका चैनल है, बल अदल के साथ काम करते हैं। तो ये सारे स्टोरी सुन के वो हमारे पास आए कि आप मेरा लाइव करके दिखाओ, चैलेंज है आप जैसे बोल रहे हो सारे क्लेम्स कर रहे हो, तो उनका हमने लाइव किया विद रिजल्ट्स, वो सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी। इसमें जो ये वाला प्रोसेस हमें पड़ रहा है इसका अंदाज़ा मान के चलिए, जैसे सर की कंडीशन है तो इस कंडीशन में अप्रॉक्सीमेटली 90,000-95,000 के आसपास खर्चा आता है पूरा ट्रीटमेंट का। हाँ, कॉम्पिटिशन में वही बता रहे हैं ना कि अगर आपको पहले वाला जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, जो पहले वाला आपको मैंने कंडीशन दिखाई थी, अलग अलग जो बाल दिखाई देते हैं डेंटल मोटर से होता है, वो बहुत सस्ता है, वो आपका 30-35,000 रुपये में हो जाता है। लेकिन ट्रांसप्लांट करने के अंदर भी इसमें 2 दिन, हाँ शुरू से लास्ट तक इसमें 2 दिन का समय लगता है क्योंकि RPM स्लो है जैसे मैंने आपको बताया, तो हम उस ओल्ड प्रोसेस रखते हैं इसके अंदर। तो अगर जैसे फुल हैंड करना, फॉर एग्जांपल आपकी बात करता हूँ, तो आपके केस में 5.5 से 6,000 ग्राफ्ट आपको रिक्वायर्ड होंगे, 6,000 रूट्स, तो उनको लगाने के अंदर हमें 2 दिन बैक टू बैक लगते हैं, जैसे आज और कल का 2 दिन हम उसमें लेके सकते हैं। हाँ जी, इसमें इस चीज़ में नहीं हो रही, यही 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 ब्यूटी है ना इस चीज़, इसी पे इतना सारा रिसर्च हमने इतना खर्चा किया। हाँ हाँ, सारे बिल्कुल नेचुरल आपकी ग्रोथ होगी, उसको आप कटिंग कर सकते हो, ट्रिमिंग सारा कुछ जैसा भी नेचुरल रहेगा 100%। वही हमारी क्वेस्ट है, मतलब उसी के लिए अभी हमारे पास जो फिल्म इंडस्ट्री से मॉडल्स हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं, वो करवा रहे हैं, बट वो सीक्रेसी वाला क्लॉज होता है, वो हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, बट बहुत सारे लोग हमारे पास बॉलीवुड से अभी लाइन के ऊपर आए हुए एनआरआई बहुत सारे। सर इसमें पर रूट के हिसाब से, एक जड़ के हिसाब से, एक रूट का जो इस वाले प्रोसेस के अंदर हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 रुपए के आसपास कॉस्ट आते हैं, और जो सस्ते वाला जो डेंटल मोटर से करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 रुपए पर ग्राफ की कॉस्ट आती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें जो इसकी ब्यूटी क्या है इस मशीन की कि बिल्कुल कोई स्कार नहीं रहता पीछे, लाइक बियर्ड से पहले करते थे बड़े वाली मशीन से तो स्कारिंग होती थी, व्हाइट कलर के डॉट्स दिखाई देते थे, तो वो बिल्कुल भी नहीं। तो हम बियर्ड से भी ले सकते हैं, चेस्ट से भी बाल ले सकते हैं, मतलब अदर बॉडी एरिया से भी रूट्स लेकर और स्कैल्प के ऊपर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और नेचुरली नहीं, इट इज फॉर विमेन ऑल्सो, विमेन ऑल्सो। विमेन के अंदर जो बेसिक इंडिकेशन रहती है वो रहती है जैसे फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस हो गया, फीमेल्स के अंदर जैसे बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे रहते हैं, या किसी का बाय वर्क ही माथा बड़ा है एक्चुअली फीमेल्स के अंदर, तो वहाँ पे भी रहता है2009 से हमने शुरू किया था, तो अंदाजा 14-14.5 साल में हो चुके हैं इसमें।